ड्राइव में पाएगा कर And also one picture with everybody cleaning it. Mm. Yes. Wo bhi lo and give me 3-4 nice pictures. But you definitely take it. And wo show ka plan kar lo. Whatever you guys say, plan a show and also the other thing. Pooja bol rahe the khana. Ji ji roti ka. And to I'll also I want to be part of that. Yeah, yeah. No, no, no. Why to pose it? Take my number. Ji mera number de do. You coordinate with everything. Yeah. We'll jitna ho sakega we'll help in every day ka food as well. Theek hai. Theek hai. We'll contribute jitna hum se ho sakega. Thank you so much. And forever. Jab tak hame bhagwan deta rahega. It's a blessing. We'll keep giving to the world. Hame bhi kaise mil raha hai. In t-shirts mein 4-5 log guide karne ke liye ki hum ye patch kar liya. Yeah. वीडियो है चलो थैंक यू थैंक चलो चलो अच्छा वन टू थ्री दे चलो तो भाई कहाँ गया आओ भाई आओ आप भी आओ थैंक यू थैंक यू मेरे अकेले के लिए सबकी भी देना शादी जा अरे इतने में करोगे आप प्लान अभी ये शो यस 100% पक्की बात ये पेपर में देख लेंगे थोड़ा साइड में चलो ना यार थोड़ा आगे आगे चलिए यू नीड टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम देम कि आज से हर संडे इनको क्लीन अप पे आना है और इतना ही मेकअप करके आना अरे मैं खुद ही भाई प्लीज ग्रुप फोटो लेना है सर थोड़ा पीछे हो All of you, come on. Together. Yeah, that's it. Sir, do it. Thank you. Thank you. Bye. आप इसे का मोबाइल लिख दीजिए थैंक यू थैंक यू जी सर थैंक यू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए धन्यवाद मैं तो यही मैनेजमेंट करने के लिए आप मैं तो रनिंग करता करता आ जाऊंगा रे एक बड़ा हम तो वॉश हां एक बड़ी करो थैंक यू सर पीछे थैंक यू ऊपर ही
Let's start. फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक गुरु भाई टुकड़ा बिकॉज इतना इनका बिजी स्केड्यूल है. जब मैंने उनको बताया सिर्फ कैट इज अबाउट अ बीच क्लीनअप एंड इन बैंड्रा, सो यू वॉज लाइक मुझे आप लोग हर बार क्यों नहीं बोलते. उन्होंने गुरु भाई आप इतना बिजी रहते हैं. बोले नहीं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बीच वॉरियर्स आई एम मुंबई चलो आई डू एनी थिंग विच इज सोसाइटी फॉर्म यू नो विच इज गुड फॉर द सोसाइटी और बेटरमेंट ऑफ आर सिटीजन आई श्योरली बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड गोइंग अहेड उन्होंने इतना भी बोल दिया कि अच्छा एक काम कीजिए कि आप लोग बीच क्लीनअप रखें और उसके आगे अगर जो वहाँ पे पार्टिसिपेशन आता है उनको मेरा फ्री शो बताइए, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड यू नो इट्स अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ह्यूमन लाइफ विच सच पीपल मेंटेन. हाउ डू यू फील? आई फील ऑसम, आई फील नाइस, इट्स गुड. एंड आई थिंक जैसा हम अपने घर में सफाई रखना चाहते हैं, आस पड़ोस सफाई रखना चाहते हैं, हमें ये कोशिश रहनी चाहिए कि कहीं पे भी सारी दुनिया हमारी है, सारी धरती हमारी है. हम बैंड्रा में हैं या हम पंजाब में हैं या हम केरला में हैं, आई थिंक हमारा इंडिया है, हमारा देश है. और हम बाहर जाके खुश होते हैं देख के रोड्स, हम अपने देश को भी देख के खुश हो सकते हैं. इट्स इन आवर हैंड्स. और ये जब दिल से जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा. मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, चले जाएंगे और बोल भी जाएंगे, आप भी आओगे, आप फ़ोटो भी कर लोगे, हम थोड़ा सा सामान उठा भी लेंगे, बाल्टियों में भी डाल देंगे, बट जब तक दिल से नहीं होगा तो इसका कोई महत्व नहीं है. बट हमें सबको दिल से करना चाहिए ये चीज़, जितना भी करें, चाहे एक घंटा दे, दो घंटा दे दिन में. और आई थिंक दिल से तब ज़्यादा होगा जब हम पहले गंद नहीं डालेंगे. तो अगर आप गंद डालोगे तो आप गंदे. दिल की बात आई तो एक लाइन सुना सकते हैं क्या? एक लाइन के बिना तो अधूरा है. क्या गाऊं यहाँ पे, बन जा तू मेरी रानी तेरे साथ बीच साफ करा दूंगा, ये बुरा नहीं है. आई थिंक ये गाने का माहौल नहीं है यहाँ पे अभी. अभी इट्स मोर ऑफ अ सोसाइटी कंसर्न, इट्स मोर ऑफ अ हमें करना क्या है लाइफ में, हमें आगे अपने फ्यूचर को कैसे और सिक्योर करना है और ब्यूटीफुल बनाना है. और आई थिंक हमें हम सबको सफाई सूट करती है, और जैसे सूट करता है वैसे सफाई सूट करती है. और हमें यही आगे लेके जाना चाहिए लाइफ में कि हमें अपने देश को साफ रखना है, अपने आस पड़ोस को साफ रखना है. योगेश भाई आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. और राहुल भाई जितने एनजीओ सोशल एक्टिविटी करते हैं उसमें ब्राइट ऑलवेज साथ में है. और क्लीननेस तो आदमी को अपने आप में ऑफिस में घर के सिवा शहर में भी रखनी चाहिए. और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी. और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जब हमारा शो होगा तो ये हमें 100-200 होर्डिंग्स देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बीच बैरियर के लिए. थैंक यू. ये अभी आप कैमरे पे हाँ बोलिए. जितना दिल से हो उतना करो. मैं दिल से करता हूँ. थैंक यू. राहुल आपका एक काम करते थे. थैंक यू. आप थोड़ा सा इधर आ जाओ ना, आप कट हो जाओ. जो भी वो कॉर्नर पे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ. भाई पीछे हो, सब लोग बोला कि सब पीछे हो, सब लोग पीछे 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 आठ जन में गए. पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ. थैंक यू. गुरु भाई चलो, गुरु भाई गॉगल टू गॉगल चलो साइड सर. जाना है
Can he say that? It will be nice. He can motivate other people to do it, na? If you're comfortable, sir. सर कैसे लग रहा है आपको कि आपके इनिशिएटिव जो आप इतने साल से कर रहे हैं वो बाकी लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, जब मैं यहाँ वॉक करता था, जहाँ मैं वॉक करता था वो जगह तो साफ होती थी, जब मैं नीचे देखता था तो इतना प्लास्टिक कचरा था, पड़ा था, कि ना पत्थर दिखते थे, ना रेती दिखती थी, सब कवर था। और ये आते थे रैक पिकर्स, आते थे वो अपना सामान लेके चले जाते थे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे कहा कि कितना लाख मिल जाता है आपको रोज का? तो कहने का 7500 मिल जाता है। कहने का हम तुमको देंगे दो बैग, एक में अपना रिसाइकिलिंग का सामान भरना जो भी, और एक में कचरा भरना। वो तो कचरे को हम सड़क के किनारे रख देना। तो बीएमसी से बात की कि वो ले जाएंगे, तो वो आके ले जाते हैं सारे के सारे। बट आई न्यू इट कि ये रोज़ करना पड़ेगा, अपने घर की तरह जैसे घर पर डस्टबिन करते हैं, वो करते हैं, पता लगाते हैं, ये एक दिन का काम नहीं है। तो देन आई गिव देम 250 रुपीज़ पर डे। चार दो औरतें हैं और दो आदमी सुबह से शाम तक कचरा उठाने में लगे रहते हैं। एंड दिस इज़ द क्लीनेस्ट बीच इन बॉम्बे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस सर। कैन यू प्लीज गिव राहुल बेस्ट विशेस टू कंटिन्यू दिस फॉरवर्ड एंड डू मोर फॉर आवर स्ट्रेच। इनके साथ, राहुल के साथ हमारे बेस्ट विशेस जब से पैदा हुए थे। अब इनको हमें देना चाहिए बेस्ट विशेस। राहुल, हाउ डस इट फील टू हैव अंकल हियर? इट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर मी ऑलवेज। वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम हिम व्हेनेवर वी मीट हिम। इट इज अ न्यू लेसन, अ न्यू स्टोरी ऑफ लाइफ। मतलब आई वुड शेयर मेनी सच थिंग्स दैट ही हैज टॉट अस, एंड दिस थिंग इज लाइक चीनू हैज बीन डूइंग दिस। बट मेरे दिमाग में जो ये चीज़ थी, हम लोगों ने अंकल को ही देखी थी मैम, अगर आप सीरियसली देखेंगे, बिकॉज वी हैव सीन हिम एंड इट इज अ सेल्फलेस थिंग। See, now we are an NGO based thing, we are into XYZ formats, but for him it is selfless. जिन लोगों ने नोट किया, जो लोग जानते हैं, उनके अलावा हमने इसे कभी जिक्र भी नहीं किया, कोई इसकी पब्लिसिटी वगैरह कुछ नहीं, ना था। बात कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज है, बात बात कर रहे हैं। ये घर जैसा है हमारा, यहाँ बैंड स्टैंड तब से मैं आया हूँ मुंबई। उस ज़माने में तो खैर बॉम्बे था, मुंबई है, तो तब से ये बैंड स्टैंड का ही करीब में रहा हूँ इसी एरिया में। ये तो मुझे पूरा बैंड्रा जो है घर लगता है। थैंक यू सो मच सर।